हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अन्नपूर्णा और आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज मैं बनाने वाली हूं स्वीट कॉर्न डोसा। ये बहुत टेस्टी, यम्मी, ऊपर से क्रंची, अंदर से सॉफ्ट, बहुत ही टेस्टी है। तो आइए देखते हैं इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। डोसा बैटर, स्वीट कॉर्न, बारीक कटा गाजर, पत्ती, ये हरा प्याज का वाइट वाला पार्ट है और ये ग्रीन वाला पार्ट है, और कुछ शिमला मिर्च है, बटर, नमक, ये ऑरेगानो ऑप्शनल है, हरी चटनी, कुटी काली मिर्च, चिली फ्लेक्स है और ये टमाटो केचप है। सबसे पहले मैं डोसे के बैटर में नमक डाल के थोड़ा सा पानी डाल के उसको मिक्स कर रही हूँ ताकि इसकी कंसिस्टेंसी परफेक्ट हो। मैंने अच्छे से मिला लिया, इसकी कंसिस्टेंसी परफेक्ट है। अभी मैंने तवा रखा है गर्म होने के लिए। अभी तवा गर्म हो गया, मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा पानी छिड़का, टिश्यू पेपर से क्लीन कर रही हूँ। ऐसा करने से तवे का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है। डोसा डालते समय हमें तवा ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। अभी मैंने डोसे का बैटर डाला और इसको थोड़ा स्प्रेड कर रही हूँ। स्प्रेड करके मैं इसको थोड़ा सा पकने दूँगी। इसका भी डोसा थोड़ा सा मोटा होना चाहिए नॉर्मल मसाला डोसा के कंपैरिजन में। अभी डोसा थोड़ा पक गया, मैंने उसके ऊपर डाला बटर। बटर डाल के मैंने इसे तो थोड़ा सा फैला रही हूँ। अब इसके ऊपर मैं डालूँगी हरी चटनी। हरी चटनी में मैंने थोड़ा सा हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, थोड़ा सा अदरक और थोड़ा सा फली डाल के मैंने इसका चटनी बना लिया। ये चटनी कंपलसरी है, इसी से हमें सॉफ्ट टेक्सचर आएगा। उसके बाद मैंने टमाटो सॉस, कुटी हुई काली मिर्च, ये चिल्ली फ्लेक्स है, और उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ ओरिगैनो, ये ऑप्शनल है। उसके बाद मैंने बारीक कटी सब्जी में डाला बारीक कटा शिमला मिर्च और बारीक कटी गाजर डाल के मैं इनको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। यहाँ पर हमें गैस का फ्लेम धीमा रखना है, स्लो फ्लेम पे ही हमें करना है। अगर गैस का फ्लेम हाई रहेगा तो डोसा जल जाएगा। मैंने पूरे डोसे पे उसको स्प्रेड किया है। अब मैंने डाला है नमक, नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट डाला है। अब मैं डाल रही हूँ स्वीट कॉर्न। स्वीट कॉर्न को मैंने गर्म पानी में डाल के बॉईल किया था, ये फ्रोजन वाला स्वीट कॉर्न है। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। थोड़ी देर इसको मैं पकने दूंगी, थोड़ी देर बाद हमारा डोसा बनके रेडी हो जाएगा। ये बहुत टेस्टी है। जब हमारे पास चटनी सांभर बनाने के लिए टाइम ना हो उस समय इसे बना लो। इसके साथ सांभर चटनी कुछ भी ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही बहुत टेस्टी रहता है और बहुत हेल्दी भी है। अब मैंने डाला धनिया पत्ती डाल दिया, बस डोसा बनके रेडी है। अब मैं इसे निकाल के सर्व कर रही हूँ। आप इसे बनाइए, ट्राई करिए और बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।